हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीखो सीए स्टूडेंट। आईसीआई डू एंड डोंट्स मैं आपको बता देता हूँ जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में याद रखने सारे बच्चों को। तो देखिए, जो एंट्री है वो 2:15 बजे क्लोज हो जाएगी। 2 बजे आपका पेपर शुरू होता है। आपको पता है 2 से 5 आपका पेपर होता है, या 2 से 6 पेपर होता है, या 2 से 4 होता है, लेकिन 2:15 बजे एंट्री क्लोज हो जाएगी। लेकिन आप एक बात ध्यान रखें, देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कि 15 मिनट पहले आपको आंसर शीट मिल जाती है और उससे 15 मिनट पहले एंट्री मिल जाती है। इसका मतलब 1:30 बजे एंट्री स्टार्ट हो जाती है। तो मेरा ये कहना है कि आप 1:30 बजे से पहले पहुंच जाएं, चाहे आप 1:15 बजे पहुंचे, 1:25 पे पहुंचे, लेकिन 1:30 बजे से पहले पहुंच जाएं, एंट्री लें, एंट्री अंदर जाएं, अपना रूम नंबर देखें। वहां पर 1:45 बजे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। 15 मिनट का रीडिंग टाइम का यूटिलाइजेशन करें और फिर 2 बजे पेपर में बैठें। लेकिन अगर कोई भाई साहब बहुत लेट हो जाते हैं तो 2:15 तक आपको लास्ट टू लास्ट एंट्री मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका कोई एक्सेप्शनल केस है तो आपको थोड़ी और लेट एंट्री मिल जाती है। वो कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, अगर वहाँ का एग्जामिनर आपको अलाउ कर दे वो तभी होता है, वो मेरी गारंटी नहीं है। उसके बाद आप अगर पेपर छोड़ के जाना चाहते हैं तो आप 4 बजे से पहले नहीं जा सकते। 4 बजे ही आपको जाने को मिलेगा, 4 बजे के बाद आपको जाने को मिलेगा, बट 2 घंटे तो आपको पेपर में बैठना ही पड़ेगा। इसके बाद आपकी अगर किसी पेपर में एग्जम्पशन है तो ध्यान से चेक करके चले जाएं कि मेरी इसी पेपर में एग्जम्पशन है। और इसके बाद इन्होंने बताया कि एमसीक्यू के लिए कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि जो एमसीक्यू है वो अपना ध्यान से देख के चले जाएं, जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं फाइनल की बात करूँ तो फाइनल में ऑडिट लॉ और इलेक्टिव और हमारे क्या नाम है DT और IDT में होता है, और ऐसे ही IPCC में भी कुछ सब्जेक्ट और फाउंडेशन में भी कुछ सब्जेक्ट में होता है, मतलब इंटर और फाउंडेशन में। तो इसके अलावा इन्होंने बोला है कि देखिए, जो आपको आंसर बुक मिलेगी वो 2 मिलेंगी। अगर आपका MCQ वाला पेपर है तो आपको MCQ के लिए भी एक आंसर बुक मिलेगी और एक नॉर्मल पेपर के लिए भी मिलेगी। आपको दोनों ही सबमिट करनी होगी। अगर आपका MCQ वाला पेपर है तो आपको MCQ बुकलेट भी सबमिट करनी पड़ेगी जब आपका पेपर ख़त्म होगा तब। इसके साथ इन्होंने बोला है कि जो इनका पेपर नंबर 6 है, मतलब जिनका इलेक्टिव पेपर है CA फाइनल में, उनको ये क्वेश्चन पेपर सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। उनको बस आंसर शीट ही सबमिट करनी है, जो कि उनका MCQ वाला और डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट होगा, बस वही सबमिट करना है, क्वेश्चन पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि अगर मान लीजिए आपके एडमिट कार्ड में कोई एग्ज़ाम ग्रुप मीडियम सेंटर या नेम या आपकी नाम की स्पेलिंग या फिर कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर में कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है, तो आप ICAI को 7 दिन पहले, मतलब पेपर शुरू होने के 7 दिन पहले आप ICAI को इंटीमेट कर दें। इसके बाद कुछ हेल्प डेस्क नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इन पर कॉल करके ICAI से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है तो। इसके बाद एग्ज़ाम जो स्टूडेंट्स को ध्यान देने की बात कही है कोविड की वजह से, वो ये बताया है कि मास्क, वाटर बॉटल और सैनिटाइज़र तो ज़रूर 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 ले जाने हैं। उसके अलावा ग्लव्स और ये सब लिखा है वो ठीक है, इतने कोई ज़रूरी नहीं होते। इसके अलावा मैंडेटरी उन्होंने बोला है कि अपना खुद का कैलकुलेटर लाएँ, स्टेशनरी आइटम लाएँ, एडमिट कार्ड लाएँ, फ़ोटो ID कार्ड लाएँ, मतलब एक कैलकुलेटर रख लो, स्टेशनरी आइटम अपनी सारी होनी चाहिए, पेन पेंसिल अपनी सारी ले जाना। पेन याद से ब्लैक पेन से पेपर लिखना है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, बच्चे भूल जाते हैं। ब्लैक पेन से ही पेपर लिखना होता है, ब्लैक बॉल पेन वाला, ठीक है। जैसे कि मैं बटरफ्लो यूज़ करता हूँ या फिर कभी कभार सेलो के भी यूज़ कर लेता हूँ, तो जिसमें आपकी हैंड राइटिंग बैठी पड़ी है वही वाले ब्लैक बॉल पेन, ठीक है। इसके अलावा एडमिट कार्ड ज़रूर ले जाएं, फोटो आईडी कोई भी अपना आधार कार्ड या कुछ मतलब एक एक्स्ट्रा बस ले जाएं, ऐसा कोई चेक सच बताऊं तो नहीं होता है, अगर हो गया तो ले जाएं, ठीक है। इसके अलावा कैंडिडेट्स को बोला गया कि COVID-19 की पूरी जो भी मतलब उनकी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करें। इसके अलावा मैं इधर एक लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ, अपना एक छोटा कैलकुलेटर ज़रूर ले, सॉरी छोटा स्टेपलेट ज़रूर ले जाना, क्योंकि जब भी आप आंसर शीट को टाई करते हैं तो ठीक है नोट भी काफ़ी होती है, बट छोटा स्टेपलर ICAI अलाउ करता है। छोटा स्टेपलेट से क्या होता है, तुम अपना पिंस मार के आ जाते हो तो थोड़ा सा सेफ्टी बढ़ जाती है, कि अगर मान लो इन केस कभी तुम्हारा पेपर गीला हो गया या कुछ मतलब काफ़ी सारी आंसर शीट्स के नीचे दब गया और खींच गया और थ्रेड टूट गया, तो वो सेफ्टी पेन कह रहा हूँ, स्टेपलर काम आ सके। तो इसी के साथ ये कुछ गाइडलाइंस थी, और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड अच्छे से पेपर लिखना और रीडिंग टाइम का अच्छे से यूज़ करना। और जो भी आपका देखो जो भी MCQ आता है, हमेशा MCQ में पहले एक बार है ना क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लेना, उसके बाद केस स्टडी पढ़ना है। इसका रीज़न होता है क्वेश्चन आंसर पढ़ लोगे ना, केस स्टडी फिर पढ़ोगे तो समझ ज़्यादा जल्दी आएगा। और इलेक्टिव वालों के लिए भी मैं यही बताना चाहूँगा। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।